हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को SSC MTS 2023 में पूछे गए क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे तीन संख्याएँ हैं, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है, तो दूसरी मान लीजिए 7, तीसरी 10 हो गई। पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, तीसरी संख्या आपकी 10 है, 10 का 20% निकालेंगे तो ये क्या आएगा आपका 2, यानी 10 से 2 कम। ठीक है, तो 10 से 2 कम यानी पहली संख्या जो है 8 है, पहली संख्या तीसरी से 20% कम यानी 8 है। ठीक है, तो अब पूछा गया है पहली और तीसरी संख्या का औसत। पहली और तीसरी संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 8 + 10 / 2 यानी ये आएगा आपका 9। ठीक है, तो पहली और तीसरी का औसत क्या आ गया, 9। अब 9 जो है 7 से कितने प्रतिशत अधिक है, देखिए यहाँ से 9 7 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है 7 से × 100। ठीक है, यानी ये आएगा आपका 200/7, ये आ जाएगा आपका 28/4/7। तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से 28/4/7% जो है कम है। दूसरा प्रश्न देखिए, सरल करना है आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ पे का दिया गया है। ठीक है, 13 भाग करना है 13 से, का 13, 13 का 13 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 13 भागे 13 का 13 यानी 13 × 13 169 आएगा +13। ठीक है, अब इसे भी हल कर लेंगे, ये क्या आएगा आपका 13 भागे 13 यानी 1 × 13 13 13 + 13 यानी इसका पूरा मान जो आएगा ये आएगा आपका 26। ठीक है, यहाँ से इसे काट देंगे, ये आ जाएगा 1/13 + 13 ठीक है / 26। ठीक, तो ये आ जाएगा 170/13 ठीक है / 26। आगे हल करेंगे तो ये आएगा 170/13 × 1/26 ठीक है, हल करेंगे जब इसे तो ये आपका आ जाएगा 85/169 ठीक है। 2 से काटेंगे, यहाँ पे 13 बार जाएगा, यहाँ पे 85 बार ठीक है, 85/169 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर तीन, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 6% बी के 4% का योग, ए के 7% और B के 11% के योग का 2/5 भाग है, तो ए और बी का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ए के 6% और 4% का योग, तो ए का 6% यानी ये आएगा आपका 6A/100, B के 4% यानी ये आएगा आपका 4B/100, ये बराबर है ए के 7% यानी 7A/100, B के 11% यानी 11B/100, योग का 2/5 भाग यानी इसका 2/5 निकालेंगे, इसके जो है बराबर है, तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार, तो ये आ जाएगा आपका 6A 4B/100 बराबर 7A + 11B/100 × 2/5, 100 100 तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 30A + 20B बराबर 2 × 14A + 22B ठीक है। इसे जब हल करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा आपका 16A = 2B, तो A/B यानी A/B निकालना है, ये आएगा आपका 1/8 यानी अनुपात आएगा 1:8। चौथा प्रश्न है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 cm² है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 4πr² ये है आपका 616 cm², ठीक है, यानी 4 × 22/7 / r² = 616,
तो यहाँ से 22 से जब काटेंगे तो ये आपका आएगा 28 बार, 4 × 7 = 28 यानी आर स्क्वायर बराबर 49 यानी त्रिज्या का मान आ जाएगा 7। त्रिज्या जब निकल गई तो व्यास आप लोग निकाल सकते हैं 2R यानी 2 × 7 क्या आ जाएगा आपका 14, व्यास 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें 12 मीटर प्रति सेकंड और 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज चाल वाली ट्रेन द्वारा धीमी चाल वाली ट्रेन को पार करने में लगा समय, ठीक है, तो यहाँ पे जो है टाइम पूछा गया है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कैसे निकालेंगे यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई। दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, पहली ट्रेन की लंबाई 110 है और दूसरी ट्रेन की लंबाई 85 है, तो दूरी तो निकल गई। चाल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दो ट्रेन की अलग अलग चाल दी गई है तो चाल कैसे निकालेंगे आप लोग जो है सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं तो चाल को जो है घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ही दिशा में चल रही हैं, चाल को जो है घटा देंगे 12 - 7 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो चाल आपकी आ गई 5 मीटर प्रति सेकेंड यानी ये आ गया आपका 195/5, ये आ जाएगा आपका 39 सेकेंड। तो समय कितना लगेगा 39 सेकेंड। तो ये थे 5 प्रश्न जो कि SSC MTS 2023 में पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर